रोटरी क्लब द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की समीक्षा के लिए वर्ष में एक बार उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसी तारतम्य में इंदौर में रोटरी इंटरनेशनल मंडल अध्यक्ष गजेंद्र नारंग ने रोटरी क्लब बड़वानी द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर जरूरतमंदों को भोजन वितरित कर कहा, रोटरी आहार केंद्र का कार्य सराहनीय है। नगर के रोटरी स्कूल में समाज सेवियों द्वारा गरीबों के लिए भोजन बनाकर प्रतिदिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों के अटेंडर्स को निःशुल्क भोजन करवा रहे हैं। और वहीं रोटरी क्लब के इंटरनेशनल मंडल अध्यक्ष गजेंद्र नारंग द्वारा प्रतिवर्ष किया जाने वाला दौरा कर रोटरी क्लब की समाज सेवी संस्था का निरीक्षण किया गया। वहीं इस पुनित कार्य को देख प्रसन्नता जाहिर कर गजेंद्र नारंग ने स्वयं गरीबों व जरूरतमंदों के लिए पूरियां तली। वहीं रोटरी क्लब बड़वानी के अध्यक्ष व समाज सेवियों को शीतल पेय भी उपलब्ध करवाए। वहीं रोटरी क्लब बड़वानी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, यदि सहयोग की आवश्यकता हो तो निसंकोच कहे, हम मदद के लिए सदैव तत्पर हैं। मैं डॉक्टर गजेंद्र नारंग, रोटरी इंटरनेशनल मंडल अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट 3040। हमारी जो रोटरी की डिस्ट्रिक्ट है इसमें लगभग 95 क्लब्स आते हैं, जो मेजर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और कुछ ज़िले हमारे गुजरात के होते हैं। उन्हीं में से एक बहुत अच्छा क्लब है रोटरी क्लब ऑफ बड़वानी, जिसकी आज मैं यात्रा पे हूँ। और हम लोग वर्ष में एक बार आकर देखते हैं कि हमारा ये जो यहाँ पर इतना अच्छा कार्य हो रहा है, वो हमारे जो क्लब के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो लोग किस तरह से कर रहे हैं और उन्हें हमारे किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यकता हो तो किस तरह हम करें। इस वर्ष डॉक्टर चक्रेश पहाड़िया जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं रोटरी क्लब बड़वानी के। और एक प्रकल्प जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो सभी को हम अगर रोटरी की भाषा में कहें तो रोटरी आहार केंद्र की तरह से स्थापित यह जो भोजन सामग्री वितरण का कार्यक्रम है रोटरी क्लब बड़वानी का, बहुत ही सुचारू रूप से पिछले एक वर्ष से चल रहा है। और किसी भी तरह के किसी व्यक्ति को बड़वानी में अगर खाने की ज़रूरत हो तो उसको ये सेवाएं दे रहे हैं। हमारा रोटरी का स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, और वहाँ से ये सारी चीज़ें वितरित हो रही हैं। मैं पुनः रोटरी क्लब बड़वानी को इस बहुत अच्छे प्रकल्प के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारी तरफ से जो भी पूर्ण सहयोग इसमें हो सकता है हम जरूर करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।